मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, इंग्लिश लेसन नंबर वन। कल वीडियो के माध्यम से लेसन नंबर वन की हिंदी आपको पहुंचा दी गई है और ऐसी उम्मीद है कि आप उसको पढ़ भी रहे होंगे, और अगर एक बार समझ में नहीं आती है तो दो बार उसका आप देखने की कोशिश करें और पढ़ने हिंदी पढ़ने की कोशिश करें। जब तक आप इंग्लिश की हिंदी याद नहीं करेंगे तब तक आप ना तो वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं ना क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे बार बार कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ग्रुप में जुड़ें। जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनकी हेल्प करें, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन हैं और वो किसी कारणवश अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो स्कूल में कॉन्टैक्ट करके अपने आप को ग्रुप में जोड़ें। यूट्यूब चैनल SSMIC को सब्सक्राइब करें जिससे सबसे पहले बनने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे और आप उसको जो है अपना समय पर देखें और अपना पढ़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे आपका किसी प्रकार का भी जो शैक्षिक वर्क है वो आपको मिलता रहे। ये क्वेश्चन वर्ड मीनिंग है हिंदी, कल आपको इसकी बता दी गई थी। तो क्रिएचर्स मीन्स जीव या प्राणी से लेकर के अलमाइटी सर्वशक्तिमान तक, ये सभी स्पेलिंग सहित आपको याद करने होंगे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर हैं 1 to 6 तक। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, हु मेड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी सुंदर चमकीली चीज़ों को किसने बनाया है, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं द गॉड मेड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी चमकीली और सुंदर चीज़ों को भगवान ने बनाया है। तो इस तरीके से आपको 1 to 6 अर्थात 1 से लेकर के 6 नंबर तक के जो क्वेश्चन है ये आपको इसके वर्ड मीन आंसर अपनी बुक से लेने होंगे, सर्च करने होंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। इससे आगे फिलिंग द ब्लैंक्स ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 to 5। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको बता दूँ, इट वाज गॉड हु मेड ऑल ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं इसमें आएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो इस तरीके से आपको ये लास्ट तक भरनी है। नेक्स्ट देखिए, यू सुटेबल एडजेक्टिव विद ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, यू कैन फाइंड दीज वर्ड्स इन द पोएम आल्सो। ये 1 नंबर से लेकर के गॉड और 6 नंबर क्रिएचर्स तक है, और इसके आगे जो सुटेबल एडजेक्टिव हैं वो सभी आपको अपनी बुक से सर्च करने होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे समझ लीजिए सभी बच्चों, गॉड से में कौन एडजेक्टिव है, तो जब आप पोयम को पढ़ेंगे कई बार पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लॉर्ड जो एडजेक्टिव है वो गॉड के लिए लगा दिया गया है। लॉर्ड एडजेक्टिव जो है ये गॉड के लिए दिया गया है, तो इसको आप जो हैं गॉड से पहले लिख देंगे इसमें लॉर्ड। विंग्स, विंग्स के लिए पोयम के अंदर टिनी का प्रयोग किया गया है, टिनी विंग्स, छोटे सुंदर पंख। तो जो एडजेक्टिव जिस वर्ड के लिए पोयम में दिए गए हैं आप पोयम को जब पढ़ेंगे तो सभी नाउन्स के जो एडजेक्टिव हैं सुटेबल एडजेक्टिव हैं वो सब आपको मिलेंगे। उसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं जो खाली स्थान दिए गए हैं वहाँ पर आप उनको भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द एनिमल्स क्रॉस वर्ड्स, ये कंप्लीट द एनिमल, ये एनिमल्स के फिगर दिए गए हैं जहाँ पर कैमल है, डियर है, रैबिट है, लोयन, कैट और एलिफेंट, जो जिस आधार पर है या जिस जो जहाँ पर जो एनिमल है वहीं पर हम उसकी स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, हमने ले लिया है रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, तो इसकी जो स्पेलिंग है इस तरीके से लिखी हुई है, तो इसकी हम कंप्लीट करेंगे RAB, इस पर आएगा BBIT, तो इसमें 2 वर्ड आएंगे बी और आई। हिरन को ले लीजिए, हिरन के सामने हम डियर कंप्लीट करेंगे, कैमल, कैमल की स्पेलिंग पूर्ण करेंगे, लोयन, लोयन की स्पेलिंग पूर्ण करेंगे, एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग पूर्ण करेंगे, ठीक है बच्चों, एलिफेंट।
सी कैट, कैट की स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये बच्चों आपका